मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दी नाराहट को ब्लॉक बनाने की सौगात। ललितपुर जिले के बड़े कस्बे नाराहट में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक निजी कार्यक्रम में आगमन हुआ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का पहले नाराहट में लवकुश जयंती समारोह में शामिल होना तय था, परंतु बारिश की वजह से उनका आना कैंसिल हो गया। इस कार्यक्रम की पहले कई तारीखें नियत की गई थीं। अनंततः आज शनिवार को दोपहर 12 बजे उनका उड़न खटोला नाराहट के बरगौरा मंदिर कार्यक्रम स्थल पर उतरा। जैसे ही उड़न खटोला आया, लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से सारा मैदान गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा 3 बार आना स्थगित हुआ। मैंने सुना है कि जब से मेरा आना तय हुआ तब से पंडाल लगा हुआ है, क्या यह सही है? लोगों ने कहा हाँ, तो उन्होंने आयोजक मंडल सहित सभी से कहा कि मेरे पास आपके धैर्य एवं साहस की सराहना करने के लिए शब्द नहीं है। आगे उप मुख्यमंत्री ने नाराहट को ब्लॉक एवं फूड पार्क बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले की जो भी समस्याएं हमारे सामने लाई जाएंगी, उन समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा सामाजिक संगठन को अगर किसी तरह की मदद की आवश्यकता पड़ती है तो वह निसंकोच हमारे पास आ सकते हैं, और जो भी मदद की जरूरत पड़े मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी, उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कभी कोई कोशिश ही नहीं की। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म करने का कार्य किया। पहले के समय में अगर ऊपर से 100 रुपए भेजे जाते थे तो नीचे आते आते पात्र व्यक्ति तक सिर्फ 15 रुपए ही पहुंच पाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब अगर 100 डाले जाएंगे तो गरीब व्यक्ति के पास पूरे 100 ही पहुंचेंगे। इसी वजह से हमारी सरकार जिला पंचायत से लेकर प्रदेश एवं केंद्र तक है। अभी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिससे सभी लोग खुश हैं। अब हम लोगों को नगर पंचायत एवं नगर पालिका में भी बीजेपी का परचम लहराना है। अंत में उप मुख्यमंत्री जनता के बीच में पहुंचे और लोगों की शिकायती पत्र लिए एवं आम जनमानस से मुलाकात की। मैरोनी से हाकिम सिंह पटेल की रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव 18।